कुसुमपुर गांव में मोहन और सरला नाम के दंपति रहा करते थे। सरला थी मोहन की दूसरी पत्नी। मोहन की पहली पत्नी विमला शादी के 2 साल बाद ही किसी बीमारी के कारण चल बसी। मोहन के 2 बच्चे थे। मोहन का बड़ा बेटा रोहित विमला से था और छोटा बेटा राहुल दूसरी पत्नी सरला से था। रोहित अपनी सौतेली माँ से कभी भी प्यार नहीं पा सका। एक दिन शाम को रोहित और राहुल खाना खा रहे थे। सारा दिन तो बस खाते पीते रहते हो, इतनी उम्र हो गई है फिर भी कुछ कमा नहीं सकते। हाँ, किसी काम के नहीं हो। अरे अभी तो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, वो होने के बाद मुझे नौकरी पक्का मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई करके तो तुम इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा पढ़ के? हाँ, तुम्हारे पीछे पैसे खर्च करना बिल्कुल बेकार है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। क्या बोला? जितना छोटा मुँह उतनी बड़ी बातें। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे मजा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या बोलूं आपको, देखिए मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने कितना समझाया, एक और रोटी खा ले, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। बस अपनी मनमानी कर रहा है और अपनी रोटी उसको दे दी। आप झूठ क्यों बोल रही है? तू मुझे झूठा बोल रहा है? जा, अभी जा यहाँ से। मुझे कैसे भी करके नौकरी करनी ही पड़ेगी, तभी ये सौतेली माँ खुश हो जाएगी। ऐसे तो इसे खुश कर पाना नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। अरे शाम होने को आई और तुमने अपने बेटे को भगा दिया। तुम्हारी वजह से वो इतना बिगड़ गया है। जाओ अब उसके पीछे पीछे भागो, सबका प्यारा बेटा। और इसी तरह रोहित मन में कुछ सोचते हुए जंगल में आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बड़े पेड़ में एक लकड़ी का दरवाजा। ये क्या, पेड़ के तने पर दरवाजा? ये तो बहुत अजीब बात है। ठीक है, जाकर देख कर आता हूँ आखिर इस दरवाजे के अंदर ऐसा है क्या। यही सोचते हुए रोहित दरवाजा खोलकर पेड़ के अंदर चला जाता है। उसी पेड़ के डाल पर बैठे थे मामदा भूत और उसकी पत्नी प्रीति भूत। दोत, यहाँ पर तो कोई अच्छा खाना ही नहीं है। जंगल से निकलने पर बहुत इंसान मिलेंगे खाने के लिए। चलो ना, हम दोनों मिलकर किसी बड़े इंसान को तोड़ मोड़ कर खाएंगे। दोत, मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता है, क्या एक नमकीन खून को पीना है? बाप रे, अरे ये लोग तो इंसान को खाने की बात कर रहे हैं। हम हमारे पुराने जगह जाकर 2 दिन के लिए घूम कर आते हैं। वहाँ पास में ही तो एक तालाब भी है, वहाँ ताजा ताजा मछलियाँ मिलेगी। हाँ यही ठीक रहेगा, हम दोनों वहीं घूम कर आते हैं, फिर मछलियाँ खाने के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? अरे रे रे, ये क्या, अब ये कहाँ मछली खाने जाएंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों कैसे मिलकर डरावनी डरावनी बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए भाई, मैं निकलता हूँ। रोहित दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर निकलने को होता है, पेड़ आकाश में उड़ रहा है। रोहित ये देखकर हैरान रह जाता है, डर के मारे दरवाजा फिर से बंद कर देता है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गया? बचा लो बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। थोड़ी देर बाद एक मायावी जंगल में वो पेड़ उतरता है और उसके साथ साथ ही मामदो भूत और उसकी पत्नी प्रेतनी भूत कूद के नीचे उतरते हैं। चलो उस तालाब पर जाकर आते हैं। चलो। डरा हुआ रोहित
वो दरवाजा को हल्के से खोलकर सामने मामदो भूत और उसकी पत्नी प्रेतनी भूत को जाते देखता है। ओह, इसका मतलब ये पेड़ पर बैठे बैठे दोनों लोग इसकी बात कर रहे थे। बाप रे बाप, अब मैं समझ गया हूँ। वहाँ चारों तरफ सोना चांदी हीरे मोती भरे हुए थे। अरे, ऐसा लग रहा है ये तो मायावी नगरी है। ठीक है, जाकर सोने का एक बक्सा लेकर आता हूँ। रोहित अपने पसंद का एक छोटा सा बॉक्स लेकर दोबारा उसी दरवाजे से पेड़ के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मामदो भूत और उसकी पत्नी प्रेतनी भूत वहां वापस आते हैं और हवा में उड़ते हुए पेड़ के डाली पे दोबारा बैठ जाते हैं। आज तो हमारा खाना एकदम अच्छा से होंगे। हाँ, वही तो। अभी चलो उस कुसुमपुर के जंगल में चलो, वहाँ बहुत ठंडी हवा आती है और ठंडी हवा में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। वाह, क्या बात है, अब मैं अपने गांव के जंगल में पहुंच गया हूं। अब जल्दी से घर के लिए भागता हूं। उफ, इतना रात हो गया लेकिन रोहित अभी तक नहीं आया। अब कहां चला गया? इतने रात को मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पिताजी, पिताजी, मैं आ गया हूं। अरे, तू जंगल के रास्ते से कहां चला गया था और तेरे हाथ में क्या है? बताता हूं, पहले घर में तो चलिए। घर पहुंचने के बाद रोहित अपने साथ हुए सारी घटना सब लोगों को बताता है और बॉक्स में से गहना निकालकर सबको दिखाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती है। अरे बाप रे, कितना सोना! ये सारा सोना आप रख लीजिए। आपने मुझे नौकरी करने के लिए कहा था ना, आप इसे बेचेंगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब मेरी चिंता खत्म हो गई, अब मैं आराम से पढ़ूंगा। लाया तो लाया, सिर्फ एक ही बक्सा लेकर आया, और गहने के बक्से नहीं ले पाया क्या? नहीं माँ, आपने नहीं सुना, लालच ही बुरी बला है। मेरे मन में कोई लालच नहीं है, बस आपकी बातें ना सुननी पड़े इसके लिए मैं ये सब लेकर आया। तू लालची नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो लालची हूँ। अब मुझे वहाँ माया नगर में जाना ही होगा, फिर वहाँ से बहुत गहने ले आऊंगी, बहुत सारे गहने। चलो खाना लगाओ, पता नहीं रोहित बेचारा कुछ खाया भी है कि नहीं। और अगले दिन शाम को सरला उसी जंगल के रास्ते से उस पेड़ के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। और ठीक उसी दिन की तरह मामदो भूत की जादुई शक्ति के कारण वो पेड़ उड़ता हुआ उसी मायावी जंगल में दोबारा उतरता है। और मामदो भूत और उसकी पत्नी प्रीतनी को जाते देखते ही सरला दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, कितने सारे सोने के बक्से! मेरे से जितना होगा मैं उतना ले जाऊंगी। सरला एक बड़ा जादू का बॉक्स में सारे गहने लेकर पेड़ के अंदर वापस चली जाती है। मामदो भूत और प्रीतनी वापस आते ही उसी डाल पर बैठते हैं और अपनी जादुई शक्ति से उस पेड़ को उड़ाकर कुसुमपुर जंगल में उतार देते हैं।
पहुंच गई। बस अब ये सब लेकर घर की तरफ चलती हूँ। मैं गिर गई। अरे कोई बचाओ, मैं गिर गई। कौन है वहाँ पर? मुझे चोट लग गई। अरे क्या बात है, ये तो एक इंसान है और इसके सामने हमारे माया नगरी का गहना भी गिरा हुआ है। इसका मतलब इसने पक्का चोरी की है। हाँ। और उसके साथ हमारे माया नगरी के बारे में सब कुछ जान गई है। तब तो अब हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिन हो गए हमने नमकीन खून नहीं पिया, आज पियेंगे। सरला जल्दी उठती है और अपने घर की तरफ भागती है और मामदो भूत सरला के पीछे पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, मुझे तो भूत खा लेगा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे बचाओ। सरला के जंगल पार करते ही मामदो भूत उसे छोड़ देता है, उसे जाने देता है। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में और नहीं रह सकता। मुझे लगता है हम दोनों को उस माया नगरी में ही जाना चाहिए। चलो। इसके बाद मामदो भूत और उसकी पत्नी प्रीतनी भूत उस जादुई पेड़ को उड़ाकर कुसुमपुर से मायावी नगर ले जाते हैं हमेशा के लिए। और इधर सरला उचित शिक्षा पाकर उदास हो जाती है। वो रोना चिल्लाना शुरू करती है। मेरा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। अब मुझे सब गहने कैसे वापस मिलेंगे?